तेजी से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में अब कोरोना संक्रमितों के इलाज की तैयारी की जा रही है। यहां ICU में 50 बेड तैयार किए गए हैं, जहां सिर्फ कोरोना के संक्रमितों की व्यवस्था होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को IGIMS जाकर इस कोविड वार्ड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मंत्री ने बिहार के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जानकारी दी है। हालांकि IGIMS में जिस ICU के 50 बेड की व्यवस्था की गई है, उसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब एम्स, PMCH और NMCH में बेड फुल हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और संक्रमण चरम पर था, तब IGIMS में कोरोना का इलाज बंद कर दिया गया था। देखिए, लगातार हमारा प्रयास है कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का हम विस्तार करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर तक इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और आज हम लोगों ने निर्णय किया है ये जो IGIMS है, इस IGIMS में भी आज से 50 बेड कोविड पेशेंट के लिए डेडिकेटेड। बिहार में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर सूबे की नीतीश सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पटना के दिघा वार्ड नंबर 1 में पटना नगर निगम के द्वारा घरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह पटना नगर निगम के कर्मचारी PPE किट पहनकर घर के बाहर और अंदर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। बताते चले कि सरकार लगातार जनता से कोरोना के रोकथाम को लेकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील कर रही है। छपरा में वाहन चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में करीबन 25 लाख रुपए आकी जा रही। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक ओर जहां बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर सख्त होने का दावा करती है, तो वहीं शराब कारोबारी कोई ना कोई तरकीब लगाकर बिहार में शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। एक टैंकर आने की हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक टैंकर आ रहा है। उसी क्रम में हम लोग बंसोही के पास अपना चेक पोस्ट पे जांच लगाए थे। वहीं पे एक मोबाइल वायल का टैंकर को रोका गया। उसमें जांच करने पे अंदर से गुप्त पैखाना नीचे से बना के उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब लदा हुआ था। इसको हम लोगों ने अरेस्ट करके यहाँ पर ले आए तो काउंटिंग करने पर 238 कार्टन विदेशी शराब का बरामद हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो रोहतक से लेके चला था।